बढ़त बनाई है। पांचवें राउंड के बाद कांग्रेस 4000 वोटों से आगे है। कांग्रेस के उम्मीदवार धीरन शाह आगे नजर आ रही हैं और बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश शाह पीछे चल रहे हैं। मौजूदा समय में लगातार राउंड दर राउंड काउंटिंग का सिलसिला और इस बीच कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। पांचवें राउंड की काउंटिंग हो रही है और पांचवें राउंड में बढ़त बनाते धीरन शाह नजर आ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। हालांकि कमलेश शाह भी पीछे है, 4000 वोटों से आगे धीरन शाह बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर, अमरवाड़ा में इस वक्त धीरन शाह पीछे चल रहे हैं और 4000 वोटों से आगे है धीरन शाह और कमलेश शाह, माफ कीजिएगा, पीछे चल रहे हैं। अभी तक कमलेश शाह आगे थे, तीन राउंड तक कमलेश शाह जो हैं वो आगे थे काउंटिंग में, लेकिन अब वो पीछे चल रहे हैं और धीरन शाह जो है वो काउंटिंग में अब 4000 वोटों से आगे नजर आ रही हैं। तो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं धीरन शाह जो कि आगे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश शाह पीछे चल रहे हैं। तो कुछ इस तरह अभी काउंटिंग का सिलसिला दिखाई दे रहा है। इसके अलावा काउंटिंग लगातार जारी है, 19 राउंड की काउंटिंग होगी और 19 राउंड की काउंटिंग में अभी तक पांचवें राउंड की अगर हम बात करें तो पांचवें राउंड के बाद कांग्रेस 4000 वोटों से आगे चल रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार धीरन शाह आगे चल रहे हैं। मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा था, लेकिन अब तक के जितनी काउंटिंग के राउंड हुए हैं, 4 से 5 काउंटिंग के राउंड, उनमें बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर दिखाई दे रही है। तीसरे राउंड तक जो कमलेश शाह आगे चल रहे थे, अभी वो पांचवें राउंड में पीछे नजर आ रहे हैं। राजेश करमेले संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। राजेश, अभी ऊपर नीचे आगे पीछे का सिलसिला चल रहा है, धीरन शाह जो पीछे चल रहे थे अब वो आगे आ गए हैं 4000 वोटों के अंतर से, ऐसा ही कुछ 10 राउंड तक नजर आएगा मुझे लगता है। बिल्कुल, देखिए अमरवाड़ा में बड़ा दिलचस्प और रोचक मुकाबला होने वाला है। जब शुरुआती रुझान सामने आए, शुरुआती नतीजे सामने आए तो उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा था कि बीजेपी लीड कर रही है, तकरीबन 6000 की लीड तक पहुंच गई थी बीजेपी। लेकिन जैसे ही चौथा पांचवा राउंड शुरू हुआ उसमें बीजेपी ने पीछे होना शुरू किया और कांग्रेस बढ़त बनाने लगी। धीरे 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 6वें और 7वें राउंड में कांग्रेस ने 4000 की लीड हासिल कर ली है। इस बात को लेकर के कांग्रेस ने तो अब उत्साहित नजर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं मायूस थे। बीजेपी जरूर ये कह रही है कि अभी आगे जो सिंगोड़ी और दूसरा बेल्ट खुलेगा, दूसरे तरफ की ईवीएम खुलेगी तो वापस से वो बढ़त बना लेंगे। लेकिन कुल मिला के जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी थी, जिसपे पूरा दारोमदार था कि ये चुनाव को किस तरह से प्रभावित करती है, उसने अच्छा वोट लिया है। उसने तकरीबन 4 से 5 हजार वोट की डेंट दी है कांग्रेस को और ये कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो सकता था, लेकिन अभी जो पट्टी खुली है उसमें कांग्रेस बढ़त बनाते नजर आ रही है। जी ठीक है, लेकिन हलचल कितनी तेज है, क्योंकि कुछ समय पहले तक कांग्रेस के तमाम जितने भी एजेंट्स हैं उनके चेहरे पर मायूसी थी, लेकिन अब तो खुशी होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि जो कांग्रेस के धीरन शाह हैं वो आगे चल रहे हैं 4000 वोटों से और अभी कमलेश शाह पीछे हुए हैं, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना होगा क्योंकि नतीजे तो 12 बजे के बाद ही पता चलेंगे।